मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर। हेलो दोस्तों, राम राम, वेलकम माय चैनल शानेडा। और आज मैंने ट्रेंड ये देखा, इसको सुबह सुबह देखते मेरा मत्था भन्न हो गया। मैंने क्या देख लिया, क्या बवाल देख लिया भाई। ये भाई रात को 2 बजे नंगे पैर भागने वाली औरत, इसको क्या करूँ मैं यार। ये वो औरत है जून के महीने में सूरज के नीचे आग जला के हाथ सेक सकती है, इतनी खतरनाक औरत है ये। इसको मैं क्या कहूँ भाई, इसने राजदीप सरदेसाई तो अलग ही लेवल का बंदा है भाई। उसने पहले तो इंटरव्यू ले लिया है, अब तो उसको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में उसको बचाना ही पड़ेगा, उसके बचाव में उसको जवाब देना ही पड़ेगा हर बार, क्योंकि पैसा लिया। रिया चक्रवर्ती के फैमिली को बोला ये मिडिल क्लास फैमिली है, उसको परेशान कर रहे हैं, ये फलाना दिखाना, जय हिंद करके उसने ये ट्वीट करा। उसके बाद ये मैडम का रिप्लाई आता है, मैडम ऊपर से कहती है हार्ट ब्रेकिंग, मेरा दिल टूट गया है, शेम ऑन अस, शेम ऑन यू, सिर्फ अपने को लेकर, ठीक है सब सिर्फ अपने ऊपर लेकर जा, हमारे ऊपर मत लेकर आ। भाई साहब, इस औरत ने इतना खतरनाक अलग ही गदर मचा रखा है। और मैं ओम राउत जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा, इसको अपनी आदि पुरुष मूवी में ज़रूर कास्ट कर लो प्लीज़। मंत्रा के लिए कास्ट कर लो, तो मंत्रा के लिए प्लीज़ प्लीज़। नाम इतना प्यारा है, स्वरा भास्कर, स्वरा, वाओ स्वर भाई, एक भी स्वर इसका काम का है। इसकी एक मूवी आई थी, मूवी का नाम भी नहीं पता, उसमें गोली वोली चला रही है। इसको लगता है बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, आवाज़ देख ली पता नहीं कैसी है, हालांकि आवाज़ तो मेरी भी अच्छी नहीं है फिर भी। और भाई पता नहीं अलग ही चल रही फिल्म, तो इनको पता नहीं जरा सा, अगर मैं कहूँगा कि अगर जो चीज़ सही होगी, जो सच की बात होगी, जो न्याय के अधीन होगी वो बातें, भाई ये उसके विपरीत जाएंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसका साथ तो कभी देते ही नहीं है। जो न्याय होगा उसके अलग ही चलते हैं, मतलब इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग फाइट में कि हमेशा जो चीज़ सही है उसको गलत के खिलाफ, हमेशा गलत की तरफ ही लड़ाई करनी है, ये सेटिंग बना रखी है इन लोगों ने। बताइए यार, को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा, आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर बोला, तब ये फेमिनिस्ट जितना भी है सब घुस गया कोने के अंदर, तब उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कि कोई सपोर्ट में नहीं आया कंगना के। तो ये जो गैंग है ना, ये स्वरा गैंग जो है, बड़ी डेंजर गैंग है। मतलब जो चीज सही भी है उसको भी तुम गलत साबित कर रहे हो, उसको भी तुम गलत के तरीके से बोल रहे हो, पोक कर रहे हो क्या यार? अर्णब गोस्वामी भाई खतरनाक बंदा, अर्णब गोस्वामी ने ये बोला है, ये धमकी दी जा रही है, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूँ। क्या कर लोगे संजय राउत? अब कौन हो तुम? उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूँ, 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। कंगना तुम लगे रहो यार, तुम खतरनाक हो, तुम लगे रहो। ये तो हमेशा जहाँ तुम न्याय करोगे वहीं उल्टा करेंगे ये लोग। तो आप लोग क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।